हेलो गाइस, जैसे कि आप देख रहे हो, ये हमारा गोल्डन है, मेटालिक गोल्डन। और इसके अंदर भी हमने जो हमारा सनर्जी का माल मैजिक कोट होता है वो हमने मिलाया, क्योंकि गर्मी बहुत थी और उसे ही मिला के हम चला रहे हैं। 1 लीटर में कम से कम हमने 150 से 200 ग्राम मिलाया, ज़्यादा गर्मी थी इस करके मिलाना पड़ा था। और आप देख रहे हो किस तरह से माल चल रहा है, जैसे कि मलाई दूध की इस तरह से माल चल रहा है, क्योंकि इसमें जोड़ आने का कोई चक्कर ही नहीं है। और डिज़ाइन भी बहुत शानदार निकलेगा, बड़े आराम से हमारे लड़के निकाल रहे हैं। आप देख सकते हो इसमें कोई मैंने वीडियो भगाई नहीं, दौड़ाई नहीं, कुछ नहीं किया, बहुत आराम से, क्योंकि ये मैंने छोटी वीडियो बनाई थी तो इसको मैंने रियली दिखाया। इसमें कोई भगाने वाला शॉट नहीं दिया है, ऐसा तो जल्दी जल्दी कर रहा है और वीडियो आगे भाग रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो गाइस, जैसे कि अगर ये मैंने वीडियो पहले भी डाल रखी है, तो इस करके मैं इस वीडियो को दोबारा इसलिए डाल रहा हूँ, ये वीडियो दूसरे कलर में डाल रहा हूँ मैं, पहले और कलर में पड़ो भी हैं। लेकिन कुछ हमारे जो पेंटर भाई हैं तो उन्होंने ये बोला था कि दोबारा से फिर से आप इस वीडियो को डालिए और हमें उसमें अच्छी तरह से समझाइए। तो मैं बता देता हूँ आपको कि इसमें समझाना क्या है। जिस तरह से हमारी ये स्पेचुला पत्ती होती है, पत्ती जो होती है स्पेचुला, ये प्लास्टिक की होती है और आपको मार्केट में जाके मिल जाएगी। आप अगर लोगे तो 150 से 200 रुपये की पत्ती मिलती है, तो आपको मिल जाएगी। तो गाइस, आपने क्या करना है, ये वाला स्पेशला बनाना है तो आपने इस तरह से ही आपने टेढ़ा टेढ़ा लेके चलना पड़ेगा, मतलब सीधा नहीं लेके जाना है, आपने टेढ़ा लेके ही जाना है, जैसे तिरछा लेके जाना है। कहने का मतलब ये है, सीधा स्पेशला कभी नहीं बनता, अगर टेढ़ा बनाओगे तभी ये स्पेशला बनेगा, नहीं बनना नहीं बनेगा, नहीं तो सीधी सीधी पत्तियाँ सी आ जाएंगी और अजीब सी उसमें लगेंगी देखने में। तो जैसे कि आप देख सकते हो जो हमारा बंदा है किस तरह काम कर रहा है। और गाइस, एक बात और बता देता हूँ, जो हमने इसमें मैजिक कोट डाला था उसके अंदर हमने तो कम से कम 600 ग्राम पानी मिलाया था, 600 से 700 ग्राम पानी तक मिलाया था हमने, क्योंकि मैजिक कोट ज़्यादा पानी लेता है और माल को फुला देता है। तो उसमें हमारे दो फायदे हो जाते हैं, एक तो माल हमारा ज़्यादा हो जाता है, दूसरा ये कि जोड़ नहीं आते। सबसे बड़ी बात तो क्या, जोड़ नहीं आते और बड़े आराम से हम डिजाइन निकाल लेते हैं, कोई जोड़ नहीं आता। तो आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा गर्मी है इस करके भी, और आप देख रहे हो कितने आराम से निकल रहा है स्पेशला हमारा, कोई जोड़ नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा। और गाइस, एक इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है, वो मैं बता देता हूँ। जब आप स्पेशला की दीवार आप करोगे तो दीवार का बेस जो होना चाहिए वो पूरा एकसार होना चाहिए। तो ये काम हमने थोड़ा जल्दी में किया था, क्योंकि कस्टमर के लिए जल्दी चाहिए था, इस करके उन्होंने हमें इतना टाइम नहीं दिया। तो उसमें हमने थोड़ा सा बेस, मतलब जैसा था वैसे ही उसमें रॉयल का बेस कोट लगाकर, हमने बेस नहीं बनाया, पुट्टी लगा कर बेस नहीं बनाया था, तो रॉयल का ही 3 कोट लगाकर सीधा हमने रॉयल पिले है मटेरियल जो था उसी को मार कर और डिजाइन निकाल दिया। तो गाइस, देख सकते हो कि डिजाइन हमारा किस तरह निकला है, और इसी तरह से निकाला है, इसमें जोड़ नहीं है। और जो प्रॉब्लम थी छोटी मोटी वो मैंने आपको बता दी है कि दीवार हमारी एकसार नहीं थी, इस करके ऐसा आया है। तो दोस्तों, एक वीडियो और लेके आता हूँ मैं, नई वीडियो, जब तक के लिए।